हरि ही ओ श्री परमात्मने नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावर्तिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तन्न विदुःसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणम्। श्रीमद् भगवद गीता में संसार के दोष का निरूपण किए जाने के कारण अधिकारी के विशेषण कहे गए हैं। इसमें न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, इस श्लोक से रण में मारे हुए व्यक्ति का सन्यासी के समान योग क्षेम कहकर अन्य श्रेयो न दुतैव प्रेयः, ये कठोपनिषद का वाक्य है। अर्थात श्रेय अन्य है और प्रेय अन्य है इत्यादि श्रुति से सिद्ध मोक्ष नामक श्रेय का उल्लेख किया गया है। अर्थात मोक्ष से भिन्न अन्य सब कुछ अश्रेय है। इस प्रकार के ज्ञान से नित्यानित्य वस्तु विवेक दिखाया है। नित्यानित्य वस्तु विवेक ये क्या है? ब्रह्म विद्या का अधिकारी वह जिज्ञासु है जिसने इस जन्म में अथवा जन्मांतर में वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदांत के अर्थ को समझ लिया है तथा जिसका अंतकरण काम्य और निषिद्ध कर्मों के परित्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण अत्यंत निर्मल हो गया है और जो नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामुत्रर्थ फलभोग विराग समदमादि सर्वसंपत्ति एवं मुमुक्षुत्व अर्थात साधन चतुष्टय से संपन्न है। जैसे अधिकारी तु विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेनापात तो अधिगता खिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरसरन नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितंत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। इस प्रकार के ज्ञान से नित्यानित्य वस्तु विवेक दिखाया गया है। नकंखे विजयं कृष्ण, इस वाक्य से ऐहिक फल से वैराग्य तथा अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो, इस वाक्य से पारलौकिक फल से वैराग्य दिखाया है।
नित्यानित्य वस्तु विवेक वह है जिसके अंतर्गत ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थ अनित्य है, यह विवेचन होता है। और इहा मुक्तार्थ फल भोग विराग वह है जिसके अनुसार कर्मजन्य होने के कारण अनित्य माल्य चंदन और स्त्री आदि ऐहिक विषय भोगों के समान पारलौकिक अमृतादि विषयों के भोगों के भी अनित्य होने के कारण उनसे नितंत विरक्ति होता है। ऐहिकानाम सत चंदन गणितादि विषय भोगानाम कर्म जन्य तया अनित्यत्व बदा मुस्मी मुस्मिक ना मप्यनृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया ते भ्यो नितराम विरति इहा मुत्रत्थ फल भोग विराग। तो इससे सिद्ध होता है किंग भोग ही इससे दम को सूचित किया जाता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति इससे निर्लोभता और तन में क्षेमतरम भवेत इससे तितिक्षा प्रदर्शित की गई है। तो समस्तावश्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह अर्थात श्रवण मनन तथा निदिध्यासन से अतिरिक्त विषयों से मन को हटाना सम कहलाता है। दमो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम अर्थात श्रवण मननादि से अतिरिक्त विषयों से बाह्य इंद्रियों को हटाना दम कहलाता है। तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता अर्थात शीत उष्ण जय पराजय मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है। और जो व्यक्ति संसार के दोष को जानकर अत्यंत वैराग्यवान होकर साधन चतुष्टय से संपन्न होता है वही तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह गुरु की शरण ग्रहण करता है क्योंकि श्रुति में कहा गया है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाविगच्छेत अर्थात उस आत्म तत्व को जानने के लिए अर्थात मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए वह गुरु के समीप जाए। यहाँ भी श्रेय की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण का शिष्यत्व वर्ण कर श्री कृष्ण अर्थात जगतगुरु की शरण ग्रहण की है क्योंकि वह मुमुक्षु ब्रह्म विद्या या तत्व ज्ञान का अधिकारी है। अब गुरु उपसक्ति का प्रतिपादन किया जा रहा है क्योंकि जो संसार के दोषों को जानकर अत्यंत विरक्त हो जाता है और विधिवत गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है उसे ही ब्रह्म विद्या का ग्रहण करने का अधिकार है। इस प्रकार भीष्मादि रूप संकट के कारण व्युत्थाय भिक्षाचर्जन चरंती अर्थात पुत्रेषणादि से विमुख होकर भिक्षु चर्या करते हैं। इस श्रुति से सिद्ध भिक्षाचर्या में अर्जुन की अभिलाषा अर्थात प्रवृत्ति दिखाकर उस संकट के व्याज से ही उसकी विधिवत गुरु उपसक्ति भी दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण हरि शरणम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।